नमस्कार दोस्तों, आई एम नैन सिंह, मैनुअल कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। सब चाहते हैं हम स्वस्थ रहें और खुश रहें, शरीर में कोई समस्या ना हो, लेकिन आजकल की सिलेंड्रिकल लाइफस्टाइल में, बिजी लाइफस्टाइल में हमको बहुत सारी समस्या होती हैं। जैसे कि कुछ समस्या आम है, जैसे ज्वाइंट में कट कट की आवाज आना, ज्वाइंट खट खट बोलना, ऐसे लग रहा है हड्डी चटक सी रही है। क्या आपको क्रैकिंग जैसी आवाज आती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में पहचाना कैसे जा सकता है, वो पूरा डिस्कस करेंगे आज के पूरे वीडियो में। लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, तब आपके वीडियो समझ में आने वाला है। फिर बाद में मत पूछिएगा कि कहां मैंने क्या बताया, इसीलिए कमेंट करने से पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो हड्डियों से कट कट की आवाज आने के क्या कारण होते हैं। हमारे हड्डियों में एक्चुअली क्या होता है, एक तो ये थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, पता नहीं है कहाँ कितनी बड़ी वीडियो होगी, लेकिन आप लोग ये बात को ध्यान से समझिएगा, आपके सवाल सारे क्लियर कर देता हूँ। जो हड्डी हमारी होती है उसके बीच में एक जालीदार जो सैनेबल फ्लूड और मतलब हो सकता है वहाँ पर भरा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो हर ज्वाइंट के बीच में स्पेस होता है थोड़ा, और वो स्पेस इसीलिए होता है कि मूवमेंट को जो है प्रॉपर ठीक तरीके से चला पाए। अब होता क्या है, जैसे मैं नी ज्वाइंट के ऊपर बताता हूँ, घुटने के ज्वाइंट के ऊपर, उसमें जो साइनोवर फ्लूड या आप कहें एक हिसाब से आमतौर पे आम घर की भाषा में मतलब एक जालीदार गद्दी, ठीक है, वो होती है, उसको चलाने में फ्लेक्सिबिलिटी देती है, कोई समस्या ना आए। जब वो जो है किसी कारण से जब कम हो जाती है या घिसने लगती है, तो वहाँ पर कट कट की आवाज़ आने लगती है। रीजन पहला, हो सकता है ये जो है डिजनरेटिव डिसीज भी हो, क्योंकि डिजनरेटिव डिसीज ऑस्टियोआर्थराइटिस OA भी हो सकती है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है वो जॉइंट पे ही होती है, और जॉइंट में पेन होता है, जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, तो उसमें ये समस्या देखने को मिलती है। यह कारण और भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो पॉइंट कैल्शियम की कमी, आमतौर पर जो प्यूबर्टी है, युवा है आजकल के, उनमें जो है कैल्शियम की भी कमी होने पे जो है ये समस्या देखने को मिलती है। कभी कभी कैल्शियम कम होता है तो भी किटकिट की आवाज़ आती है। अगर किटकिट की आवाज़ आती है तो करे तो करे क्या, ये भी बताऊँगा। लेकिन यहाँ और भी कारण हो सकते हैं, जब आप जो है ज़्यादा समय तक बैठे रहते हैं पोस्चर में, कोई कुर्सी पे, जमीन पे, उखरू कहते हैं एक तरीके से ना, बैठे रहते हैं पैरों को फ्लेक्शन करके मोड़ के, तो भी हमारे जॉइंटों में किट किट की आवाज़ और एकदम ऐसा जकड़ा हुआ सा भी लगता है। क्या होता है कि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, रुक जाता है, और हम एक मूवमेंट पोस्चर पे स्थिति बना लेते हैं, पोजीशन, उसमें हम एकदम उठते हैं तो एक थोड़ा सा समय लगता है ब्लड सर्कुलेशन फ्लो तेज होने में, तब भी किट किट की आवाज़ या फिर आपको जकड़ सा लग सकता है। यह बात करते हैं कि अगर ये सारी समस्या होती हैं तो इसको ठीक किया कैसे जा सकता है। समस्या तो होती है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो बताता हूँ मूवमेंट। हमारे शरीर में पहली बात तो कैल्शियम मेंटेन रखना, अगर कैल्शियम मेंटेन रहता है तब भी हमारी ये समस्या को ठीक किया जा सकता है। यह बात होती है अगर जॉइंट में किटकिट की आवाज़ आती है तो इसको और कैसे ठीक किया जा सकता है। आप किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन को या फिजियोथेरेपिस्ट को, आवाज़ आती क्यों, वो आपसे डायग्नोस करके एक्सरे की रिपोर्ट मंगवाएंगे, एक्सरे में क्या आता है उससे पता लगता है, क्लियर डायग्नोस किया जाता है कि क्या स्पेस कम है या कैल्शियम की कमी है या मतलब और भी कारण हैं, ऑस्टियोफाइट्स जो हड्डियों को बाहर निकलना तो कड़ होते थोड़े वो है, या आपको जो है शुगर की समस्या होती है तब भी ये समस्या हो सकती है, मतलब कई कारण हो सकते हैं। तो आप एक बार जरूर चिकित्सक से भी राय ले सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है। यहाँ बात आती है कुछ और तरीके से आप दूध पी सकते हैं खाने पीने में, ये कुछ जो है नॉर्मल रेंज की जो बातें होती हैं, इनको जो है हमको मानना होगा, इसको द्वारा ठीक किया जा सकता है। और वॉकिंग स्टाइल जो हमारे जो है नॉर्मल, अगर देखो हम वॉक करते हैं तब भी हमारे जो है पेन नहीं होगा, अगर हम वॉक करते हैं डेली तो वॉक से हमारे जो काफ़ी राहत मिलती है, पेन मूवमेंट जो चलते रहते हैं। उन लोगों को भी समस्या आती है जो एंड जो लोग पोछा मारते हैं, मतलब कुछ ग्रहणियाँ होती हैं, घर में पोछा मारने का काम करती हैं, घर में हर किसी का आमतौर पर पोछा मम्मी दीदी किसी की मारती हैं लगाती हैं, तो वो लगाने से भी जो जॉइंट में मतलब घुटने के बल लेट लेट के खिचड़ खिचड़ पोछा लगाने से भी कभी कभी घुटने का दर्द होता है। तो इन कारणों में बचने के लिए सबसे बेहतर रहा है कि आप दूध पिए, कैल्शियम युक्त चीज़ें खाएँ, अंडे खाएँ और प्रोटीन वाली चीज़ें खाएँ, ज़्यादातर कैल्शियम वाली चीज़ें खाएँ और वॉकिंग करें। और यहाँ पर जो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से जरूर राय लें अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या होती है या आप 30 प्लस हैं, तो अगर आप स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं या कहीं मतलब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब आपको समस्या आती है तो आप जरूर डॉक्टर से राय ले जरूर लें, क्योंकि इसमें कुछ और भी समस्या हो सकती है।
तो दोस्तों आई होप आप लोगों के वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार मेरी शक्ल को देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कैसे करते हैं इसको तो आप जानिएगा कैसे करते हो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलो दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।